नमस्कार, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, देश विदेश की और व्यापार जगत की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार से हैं। पहली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से एक आदेश जारी किया है कि जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकली थी उसको जो सूची है उसको नए सिरे से फिर से जारी किया जाए। पुरानी सूची में उनको कई तरह की त्रुटियाँ मिली हैं, कई कमियाँ मिली हैं, स्पेशली उनको आरक्षण जो है वो गलत तरीके से उसमें लगाया गया है। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि इस सूची को दोबारा से बनाएं और इसको बनाने के लिए 3 महीने का समय को दिया है राज्य सरकार को। इस 3 महीने में ये सूची बनाकर देनी पड़ेगी। इससे उन शिक्षकों के लिए भी दिक्कत हो गई है जो शिक्षक नौकरी पा चुके हैं और वो जो जॉब कर रहे हैं, अब उनके लिए भी एक नया परेशानी खड़ी हो गई है कि अब इसमें देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या होता है। ऐसे ही दूसरी खबर की अगर बात करें दोस्तों, तो आज 2 राज्यों के इलेक्शन के लिए रिजल्ट आ गया है, डेट आ गई है कि उसमें चुनाव कैसे होंगे। जैसे पहले की जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। 90 सीट्स के लिए ये 3 चरणों में चुनाव होगा। पहला 18 सितंबर, दूसरा 25 सितंबर और तीसरा 1 अक्टूबर को इसका चुनाव होगा। और ऐसे ही दूसरा राज्य है हरियाणा, जहां पर एक फेज में 90 सीटों पर चुनाव हो जाएंगे और ये जो चुनाव होगा ये 1 अक्टूबर को होगा और इन दोनों ही राज्यों के जो रिजल्ट आएंगे ये 4 अक्टूबर को आ जाएंगे। दोस्तों, ऐसे एक तीसरी खबर है जो कैबिनेट ने आज एक अप्रूवल दिया है जिसमें बेंगलोर की मेट्रो को बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है। उसका जो तीसरा चरण है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे ही बंगाल के बागडोगरा से जुड़ी हुई कुछ परियोजनाएं हैं जिसको और मंजूरी दे दी गई है, इनको और आगे बढ़ाया जाएगा। ये जो कंप्लीट परियोजनाओं को मिली है मंजूरी, इसमें 3 मेट्रो और 2 एयरपोर्ट को भी डेवलप करना है। ऐसे ही दोस्तों, एक चौथी खबर यह है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, इनका आज जन्मदिन है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर जाकर अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन मनाया। वहीं अरविंद केजरीवाल की तस्वीर को मिठाई भी खिलाई और इसी के साथ ही तमाम नेताओं ने अरविंद केजरीवाल जी को बधाई दी। इसमें से प्रमुख रूप से रही आतिशी और मनीष सिसोदिया, और अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राहुल गांधी जी ने एक्स पर बधाई दी और शुभकामनाएं दी अरविंद केजरीवाल जी को। ऐसे ही दोस्तों, अब अगर हम बात व्यापार जगत की करें तो आज सेंसेक्स में ज़बरदस्त उछाल आया है। इसमें आज जो इन्वेस्टर थे उनको 7.17 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है। सेंसेक्स आज 330 पॉइंट बढ़ करके 80,436 पॉइंट पर बंद हुआ और निफ्टी आज ज़बरदस्त उछाल के साथ बंद हुआ, और जो बंद हुआ है वो 24,541 पॉइंट पर बंद हुआ है। वहीं अगर हम सोने और चांदी की बात करें तो सोना 400 पॉइंट नीचे आया है, मतलब ये सस्ता हुआ है, और सिल्वर की अगर बात करें तो 800 रुपये ये महंगा हुआ है, तो इसके रेट बढ़े हैं। वहीं अगर कुछ कंपनियों की बात करें तो LIC ने आज अपना रिजल्ट घोषित किया है Q4 का, और इसमें LIC ने बताया है कि 13,762 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। साथ ही साथ LIC ने 6 रुपये का डिविडेंड पर शेयर देने के लिए बोला है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर बात करें कुछ बैंक से तो यस बैंक और ICICI बैंक के ऊपर RBI ने जुर्माना लगाया है। यस बैंक पर 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि वहीं ICICI बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। ये जो जुर्माना लगाया गया है ये इनको कई नियमों का उल्लंघन पाया गया है जिसके लिए जुर्माना लगा दिया गया है। अब इस पर और भी आगे कार्रवाई होगी। वहीं दोस्तों, अगर हम बात अब इंटरनेशनल करें तो पाकिस्तान में एक खबर आ रही है कि एमपॉक्स के 3 मरीजों की पुष्टि हो गई है। एमपॉक्स वही है जो एक नया तरह का वायरस आ गया है, मंकी पॉक्स इसको बोलते हैं। ये बिल्कुल एक अभी पैंडेमिक तो नहीं हुआ है, जैसे COVID-19 था वो पैंडेमिक था, ये पैंडेमिक नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, कई देशों तक पहुँच चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी है। दोस्तों, इसी के साथ एक दूसरी खबर है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हिंसा हुई है उसकी अगर बात करें तो उसको लेकर के दिल्ली में भारी रूप से प्रदर्शन किया गया है। अब ये है कि बांग्लादेश के लिए भारत की सरकार कुछ एक्शन भी लेने के लिए तैयारी बना रही है, जैसे कि
अभी हम कुछ उनकी पावर वगैरह भी कट करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि अडानी का जो पावर प्लांट है वो एक्सपोर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को। अब वो बांग्लादेश को जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसका यूज अब चेंज कर दिया गया है, उस जो अडानी का इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रिड है, जो कारखाना है, अब हो सकता है कि अडानी अपनी उस पावर प्लांट से पावर बांग्लादेश को ना बेचें, ये भी हो सकता है। तो इसके साथ ही एक दूसरी खबर आ रही है सऊदी अरब से। सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उन्होंने बताया है कि उनकी हत्या हो सकती है। ये जो बताया है ये अमेरिका के कुछ अधिकारियों के सामने बताया है, और ये उन्होंने अपना डर तब जाहिर किया जब उनसे इस बात को लेकर बात हो रही थी कि इंडिया से लेकर के यूरोप के लिए जो रोड बनने वाली है, जो कॉरिडोर बनने वाला है, रास्ता बनने वाला है, उसमें वो सहयोग करें। तो सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको इसमें सहयोग करने जाता हूँ तो इससे मेरी हत्या भी हो सकती, लेकिन ये हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है तो मैं इसको करूँगा, इस चीज़ का उन्होंने आश्वासन दिया। दरअसल इसमें पेच जो फंस रहा है, जो बातचीत फंस रही है, वो इसराइल को लेकर फंस रही है। सऊदी अरब आज भी इसराइल को एक कंट्री नहीं मानता है, लेकिन अगर सऊदी अरब और इसराइल दोनों साथ नहीं आएंगे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये दरअसल जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो वो बनारस सिल्क रोड जिसको कहते हैं, उसी के ये टक्कर के लिए ये बनाया जा रहा है। आईमैक इसको बोला गया है, जो इंडिया से होकर मिडिल ईस्ट को पार करते हुए यूरोप को जाके मिलाएगा। दोस्तों ये आज की प्रमुख खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। धन्यवाद।